close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Hello friends, आज हम जिस कार में बैठे हुए हैं ये कार है टाटा नेक्सन, इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार। तो आइए हम आज डिटेल रिव्यू आपको इस टाटा नेक्सन का करेंगे और आपको इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन, डायमेंशन और टायर साइज क्या है वो सारा हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसका इंटीरियर तो लाजवाब है, इन्होंने बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मटेरियल क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा इन्होंने लगा रखा है और इसका सेंट्रल कंसोल तो बहुत ही अच्छा है। इसमें तीन ड्राइव मोड हैं आपको, इको, स्पोर्ट और सिटी मोड है जो काफ़ी अच्छे से ट्यून किया गया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करता है। तो चलिए आपको हम पहले एक्सटीरियर से शुरू करते हैं और फिर इंटीरियर दिखाते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कर लें। अब हम फ्रंट लुक पर आ जाते हैं। ब्लैक कलर की खूबसूरत ग्रिल लगा हुआ है यहाँ पे और ये टाटा का लोगो और नीचे ब्लैक कलर की शेडिंग दे रखी है इस इवेंट के सामने जो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और ये प्रोजेक्टर, हेडलाइट और उसके ऊपर ये इंडिकेटर और नीचे फॉग लैम्प सिल्वर फिलिप के साथ बहुत ही खूबसूरत लग रहा, काफ़ी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है इसको भी। अब हम टायर पे आ जाते हैं। ये 16 इंच मशीन कट अलॉय व्हील जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक। ये ऊपर इसकी देखिए बॉडी क्लैडिंग काफ़ी अच्छा लग रहा है ये। और आपका ये ORVM इंडिकेटर के साथ बॉडी कलर में, ये आपका रूफ रेल काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नीचे आ जाते हैं हम, ये वाइट कलर की जो पट्टी है पूरा आपके फ्रंट से लेके बैक तक है, काफ़ी अच्छा लगता है इसको। और ये बॉडी कलर हैंडल कीलेस एंट्री के साथ आता है और ये बॉडी क्लैडिंग काफ़ी चौड़ा है। और इसका ग्राउंड क्लीयरेंस जो है आपका 209 mm का है जो अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। ये रियर अलॉय कितना अच्छा लग रहा है। और हम अब रियर में आ जाते हैं। इसका बीच में टाटा का लोगो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है पीछे से। और ये आपके एक्सजेट प्लस की बैजिंग और ये इसका रियर लाइट चार पार्ट में, इंडिकेटर, बैक लाइट, ब्रेक लाइट सभी इंक्लूड हैं इसमें। रियर वाइपर, ये डिफॉगर और हाई माउंट स्टॉप लैम्प स्पॉइलर के साथ, शार्क फिन एंटीना, रूफ कितना अच्छा लग रहा है इसका। ये टाटा का लोगो, कैमरा भी है और ये बूट ओपनर विदाउट की, पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इल्यूमिनेटेड लाइट। इसका लेंथ जो है 3994 mm और इसकी जो विथ है 1811 mm की और इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 44 लीटर्स का है। अब हम बूट स्पेस पे आ जाते हैं। इसका जो बूट स्पेस है वो 350 लीटर्स का है और इसकी जो सीट है वो 60-40 के रेशियो में स्प्लिट हो जाती है। बूट स्पेस काफ़ी अच्छे से डिजाइन किया गया है, काफ़ी स्पेसियस लगता है। और यहाँ पर बूट लैंप भी है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। ये स्पेयर व्हील गुडियर्स का ये भी है 16 इंच का, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जिस स्पीड में ले जाना चाहें आप ले जा सकते हैं इसको। जब अंडर साइज होता है तो दिक्कत होती है। ये देखिए टूल किट भी है इसी में और आपके देखिए बूट लैंप है और हुक भी दे रखा है, आप यहाँ पे कोई चीज़ हैंग कर सकते हैं। और ये ग्रैब हैंडल, इससे आप बूट को बंद कर सकते हैं। अब इसका फ्रंट डोर ओपन कर लेते हैं और बहुत ही आपको ये देखिए दरवाज़ा काफ़ी वेटेड है, आपको पकड़ने में ही लगेगा काफ़ी वेट है इस दरवाजे में। और यहाँ पे फैब्रिक फिनिश काफ़ी अच्छा लग रहा है। पावर डोर के कंट्रोल्स, नीचे आप बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, नीचे स्पीकर दे रखा है हारमन के, इसमें म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है। ये डोर ओपनर, ORVM के कंट्रोल्स आप अंदर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, AC वेंट,
साइड में सिल्वर फिनिश के साथ दे रखा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टर, यहाँ से हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। सीट फैब्रिक बहुत अच्छा है, आपको अच्छे से होल्ड करके रखेगी। और यहाँ पे हेडरेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, आप हेडरेस्ट को, फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। नीचे पैडल फुट रेस्ट के साथ आता है, ये आपका आरपीएम मीटर, बीच में स्क्रीन, और ये आपका स्पीडोमीटर, काफ़ी स्पोर्टी लगता है। ये स्टीयरिंग ब्लैक पियानो फिनिश में, बीच में टाटा का लोगो। इधर आपका राइट में हेडलाइट के कंट्रोल्स, लेफ्ट में वाइपर कंट्रोल्स, सेंटर कंसोल थे बहुत ही खूबसूरत है। 7 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है, एप्पल कारप्ले ऑटो एंड्रॉयड के साथ। एसी वेंट, और ये बटन्स तो बहुत ही खूबसूरत हैं, कंट्रोल्स, रोटरी डायल्स तो बहुत ही अच्छे हैं इसके, बटन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आप ये एसी के कंट्रोल्स यहाँ पे दे रखे हैं, और काफ़ी कुछ आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। सेंटर कंसोल में सब कुछ दिया हुआ है, आप अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। ईजी टू रीच है, और इसकी जो दोनों की है वो ऐसे होगी, काफ़ी अच्छा है। इसमें 4 बटन दे रखे हैं। और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे देखिए ऑक्स केबल है, यूएसबी कनेक्टर, 12 वोल्ट पावर सॉकेट, ये गियर नॉब 6 स्पीड के साथ विथ रिवर्स, यहाँ पे स्टील फिनिश दे रखा, काफ़ी अच्छा है। सेंटर कंसोल तो ज़बरदस्त है। यहाँ पे ड्राइव मोड दे रखा है, सिटी, इको एंड स्पोर्ट मोड, जो बहुत ही अच्छा रिस्पांस करता है। और बीच में देखिए स्पेस है, बहुत ही अच्छे ढंग से डिज़ाइन किया गया इसको भी। ये पार्किंग ब्रेक, इसको हम बंद कर देते हैं। ये आपका हैंडरेस्ट है, काफ़ी अच्छा और ठीक है। इसके अंदर डीप स्पेस है, कुछ भी आप स्टोर कर सकते हैं। अब हम इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो फिनिश है, ये मेटेलिक फिनिश लगता है, काफ़ी खूबसूरत है। एक साइड से लेके ये दूसरे साइड को कनेक्ट करता है। ये कूल ग्लोव बॉक्स है, काफ़ी स्पेसियस है। और यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये IRVM फ्रंट केबिन लैम्प, काफ़ी ब्राइट है। ये ग्लास होल्डर, वेंटी मिरर नहीं है ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड वेंटी मिरर है। ये देखिए डोर पियानो फिनिश में, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, काफ़ी प्रीमियम, बहुत ही अच्छे ढंग से डिज़ाइन किया गया है। डिज़ाइन में कोई कमी टाटा वाले नहीं छोड़ा। रूफ जो बहुत ही अच्छा है, फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। अब इसका रियर डोर ओपन कर लेते हैं। रियर डोर बहुत ही अच्छी है, ढंग से डिज़ाइन किया गया है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। ये सिल्वर कलर में इसका डोर ओपनर, ये ब्लैक पियानो फिनिश में, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी लुक को इन्हांस कर रहा है। पावर बटन, नीचे आपका स्टोरेज स्पेस दे रखा है, और यहाँ स्पीकर। सीट फैब्रिक तो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा होल्ड करके रखता है। रियर पैसेंजर हेडरेस्ट, और ये 2 कप होल्डर्स, 2 कप यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। और रियर से आप फ्रंट लुक देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, डैशबोर्ड और इसका सेंटर कसम कितना अच्छा है। इसका रियर एसी वेंट ब्लैक पियानो फिनिश के साथ काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये इसका इंजन 1.5 लीटर टर्बो चार्ज्ड डीजल इंजन, 110 bhp की पावर जनरेट करता है, और 260 nm का टॉर्क, जो माइलेज क्लेम किया जाता है 21.5 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। काफ़ी मजबूती से डिज़ाइन किया गया है, मेटल काफ़ी अच्छा है इसका। ये इसका नॉइज़ कैंसिलेशन, केबिन के अंदर नॉइज़ को एंटर नहीं करने देता है। और प्लास्टिक और मेटल जो है काफ़ी अच्छे ग्रेड का यूज किया गया है। इसका रियर लुक काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रीमियम लगता है, काफ़ी मैस्कुलर डिज़ाइन है इसका। अब हम सेफ्टी फीचर्स की बात कर लेते हैं। ड्यूल एयर बैग, ABS विथ EBD, रिवर्स पार्किंग कैमरा, रिवर्स पार्किंग सेंसर, इंजन इमोबिलाइजर। फ्रेंड्स, यह मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे मैंने सारा डिटेल क्लियर कर दिया आपको, अगर कोई चीज़ मुझसे मिस हो जाता है तो आप मुझसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।